फर्स्ट क्वेश्चन इज हु गेट्स इनटू प्रॉब्लम्स इजीली. सिद्धार्थ निगम. हु इज द बिगेस्ट प्रैंकस्टर? थैंक यू सो मच. आई एम ऑल्सो लाइक इक्वली काइंड ऑफ मेंटेन इट. एक बार मैंने प्रैंक किया बहुत अच्छा वाला, फिर मेरा दूसरा प्रैंक फेल हो गया था तो उन्होंने मेरे बदले रिवेंज लिया था. तो आई थिंक वी बोथ आर वेरी गुड प्रैंकस्टर. Any interesting prank that you guys would like to share with your fans? I think recent pranks जो हम कर रहे हैं Chinky Minky के साथ, if you remember, Sweetie Meetie जो play करती हैं show में, जमाने show में Sweetie Meetie play करती हैं Chinky Minky. So उनके साथ हम बहुत सारे pranks करते हैं, वो भी हमारे साथ बहुत सारे pranks करती हैं, लोगों को बहुत पसंद आते हैं हमारे pranks. तो actually से शुरू हुआ. अच्छा. सिद्धार्थ ने फिर उनके ऊपर prank किया, फिर उसके बाद मैंने भी उनके ऊपर set पे prank किया, वो बहुत ही funny prank था. सिद्धार्थ ने शायद पूरा अपना मेकअप किट उठा के उसने अपने होंठ पे ऐसे ब्लड लगा लिया एंड ही सेड दैट वो इंजर्ड हो गया एंड एवरीबॉडी गॉट पैनिक एंड देन सब लोग भागते हुए आए. वो तो कुछ ज्यादा ही रियल सिचुएशन बन चुकी थी. एवरीबॉडी वाज बहुत मजा आया था. वेरी वेरी यू नो डिस्टर्ब कर रही है, क्या हो गया, कल शूट नहीं होगी, चोट कैसे लग गई. तो चिंकी मिंकी भी एकदम परेशान हो गई थी, उनकी आंखों में आंसू आने वाले थे. हु इज मोर पंक्चुअल ऑन सेट? वी बोथ आर. बोथ आर. ओके, दैट्स नाइस. Who is a goofball? I think we both. Yeah, we both. Who is most short-tempered? Actually, we both are very, you know, quiet and polite on set. And because we are working in a very professional and, you know, polite environment also. And everybody is so nice with us. But I think on set, if I talk about, there's nothing that happened that has made us lose our tempo. बट ऑफकोर्स या अगर शॉर्ट टेम्पर की बात आती तो आई थिंक जब कुछ ज्यादा ही कहीं पे भी बदतमीजी होती है तो गुस्सा आता है. तो आई थिंक आई एम लिटिल शॉर्ट टेम्पर. लोग मुझे ऐसा कहते हैं बट आई एम नॉट. और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि बिना किसी यू नो चिल्लाने के या फिर बिना किसी वायलेंस की चीजें सॉल्व हो जाए. द वन विद द लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्रशेस. दोनों की मिला के बहुत. The chatterbox amongst you all? Depends on the circle. मतलब yes. अगर मैं अगर अपने दोस्तों के साथ हूँ तो I'll be that. अगर ये अपने दोस्तों के साथ हूँ he'll be that. And I think हम दोनों ही हैं ऐसे थोड़े बहुत. हाँ, बहुत बातें करते रहते हैं. Impulsive buyer. I think वो सिद्धार्थ है क्योंकि वो कुछ भी जैसे उसको दिखता कुछ भी attract करते हैं तो मतलब he cannot resist getting it. और मतलब ज़्यादा सोचेगा नहीं and then he'll get it. I'll think before buying anything like you know. बहुत ज्यादा. He's like, oh. the one who is most self-obsessed. Sleeping Beauty कौन है? सिद्धार्थ निगम. The one who is most energetic 24/7. I think सिद्धार्थ. Drama King. Drama King. इधर मैंने कुछ बोले ही नहीं. कभी कभी मैं थोड़ा ड्रामा करता हूँ पर कभी कभी ठीक है कभी कभी कहने देते हैं छोड़ दो. बिगेस्ट डरपोक. हेलो. नो नो, डरपोक तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. ओ भाई साहब जरा बता. बिल्कुल नहीं है. आज ही दो बार डराया मैंने एक ही बार में एक ही चीज से. अब आई हैव दिस फियर ऑफ यू नो स्नेक्स एंड रेप्टाइल्स. स्नेक फियर तो मुझे भी है बट ऐसे मतलब आज तो भयंकर डर है. नहीं डरता. गॉसिप मॉन्गर. मैं ही रखता हूँ थोड़ी मतलब मुझे मजा आती है ऐसे ही थोड़ा बट ऑफकोर्स आई विल टेक दैट. ऑलवेज ऑन हिज फोन. Both, I think, we are both on our phones. And there is a time, मतलब ज़्यादातर हम मतलब एक समय है हमारा कि हम फोन कब यूज नहीं करेंगे. मतलब out of 24 hours शायद हम 24 घंटे फोन यूज करते हैं, बाकी जो समय मिलता है उसमें फोन यूज नहीं करते. क्या बोला? Best and annoying thing about each other. Best thing about him is that he obeys me. And annoying thing is that sometimes he questions my you know what I ask you to do. That's annoying. The best thing about my brother is he always stands for me no matter what. And the annoying one is that he always thinks that I don't obey him. So this question is for you, Abhishek. So Siddharth basically plays your guru in the show, right? So how have you been his guru in real life and what did you teach him? See, as an elder brother, there are a lot that has happened in life that I've seen much earlier. So I always share my experiences with him, you know, like how I passed my boards, how I passed my, you know, college, what happens there, what you know, how you deal with life, how you make friends, all the filters that should be applied
इन लाइफ दैट और द मिस्टेक दैट आई हैव मेड इन लाइफ आई ऑलवेज थिंक कि वो से ना हो. सो एज एन एल्डर ब्रदर जो मैंने 4 साल आगे की लाइफ देखी हुई है मैं कोशिश करता हूँ कि यू नो थोड़ी आगे लाइफ की देखी. उनके साथ पार्टी करना मैंने कभी किया नहीं है बिकॉज मैं कॉलेज में पढ़ता था बट मैं कभी कॉलेज गया नहीं बिकॉज ऑफ दैट. मेरे इतने बडीज नहीं बने कॉलेज बडीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में बनना बिकॉज आप बहुत ज्यादा सीखते हैं आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है. आई थिंक वो एक्सपीरियंस ज्यादा मुझे बताते रहते हैं कि ये होता है ऐसे होता है तो ये सारी चीजें मुझे बहुत हेल्प करती हैं. Is there any particular special advice that you have, you know, given each other and it's, in turn it has been very helpful? बताओ मैंने अगर कोई एडवाइस दिया हम लोग एक दूसरे को एडवाइस देते हैं दिन भर में 3-4 एडवाइस एक दूसरे को चिपका डालते हैं हम लोग को खुद भी याद नहीं होता. मतलब हम लोग ने एक दूसरे को ये कभी फील नहीं होने देते कि आप अकेले हो. क्योंकि क्या होता है जब इंसान अकेला हो जाता है ना तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ जाती हैं. सो वी ऑलवेज ट्राई कि हम एक दूसरे को यही एडवाइस दें कि कभी भी अकेला फील नहीं होना चाहिए. अगर आपको भी अकेला फील हो रहा है तो आपको मैं अच्छी एडवाइस देता हूँ कि कम एंड टॉक टू मी. अगर मेरे साथ ऐसा कोई फील हो रहा है या मैं किसी सिचुएशन जहाँ मुझे फील हो रहा है मैं बहुत लोनली हूँ अकेला हूँ तो आई ऑलवेज गो टू हिम एंड टॉक टू हिम. तो ये जो एडवाइस हम एक दूसरे को देते हैं लाइक वी ऑलवेज स्टैंड फॉर ईच अदर नो मैटर व्हाट. सो एंड यू नो कभी भी ऐसे जिंदगी में कभी भी होता है ना देन यू फील दैट देयर इज नथिंग इन लाइफ दैट इज लेफ्ट एंड यू नो लाइक यू डोंट सी अ पाथ देन यू शुड ऑलवेज टर्न बैक एंड देयर विल बी अ पर्सन दैट इज गोइंग टू बी मी और हिम फॉर बोथ ऑफ अस ऑल टुगेदर. वी बोथ स्टैंड फॉर ईच दैट्स द एडवाइस दैट इज लाइक एक होता ना कि एडवाइस ही कहेंगे उससे जो हमारे पास है और हमारी मम्मी भी हमें ये एडवाइस देती है तो ये हम लोग फॉलो करते हैं. Lastly, any message for your fans? Like the love and the blessings that we are receiving from you guys are just amazing. और उसी की वजह से हम शायद इतनी मेहनत कर पाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको ढेर सारा एंटरटेनमेंट पहुंचाए. और जिस तरह से आपने हम दोनों को प्यार दिया है और हीरो गाय मोड ऑन को इतना अच्छा शो बनाया है और बहुत लोग आते हैं हमसे मिलते हैं आप इतना प्यार बांटते हैं बहुत खुशी होती है. और हम इसी तरह ढेर सारी मेहनत करते रहेंगे आपको ढेर सारा एंटरटेनमेंट देते रहेंगे और आपकी जिंदगी में खुशियां लाते रहेंगे. डेफिनेटली एंड ऑलवेज आप लोग हमारे लिए इतनी प्रेरित करते हैं कि हम लोग हेल्दी रहें हैप्पी रहें और आप लोग को हमेशा एंटरटेन करते रहें. सो उसके लिए भी थैंक यू सो मच दिल से. एंड यस कीप वॉचिंग हीरो गाया मोड ऑन ओनली ऑन सोनी सावरी.